अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। थानों पर लंबे समय से जमे मठाधीश थानेदारों को सही रास्ता दिखाने के बाद मेरठ के नए पुलिस कप्तान ने सोतीगंज इलाके में उन कबाड़ियों पर तीखा प्रहार किया है जो वाहन चोरी कर काटे गए पार्ट्स का धंधा करते हैं। 75 पुलिस कर्मियों की टीम ने गुरुवार को 10 से ज्यादा गोदामों पर छापा मारा तो कबाड़ियों में हड़कंप मच गया। बरामद पार्ट्स का जो कबाड़ी हिसाब व रिकॉर्ड नहीं दिखा पाए उन्हें सामान के साथ सदर थाने भेज दिया गया। तेज तर्रार IPS ASP सूरज राय के निर्देशन में की गई यह कार्रवाई कुख्यात कबाड़ी मन्नू मोहिद्दीन की 1 करोड़ रुपए की अधिक की संपत्ति कुर्क करने के बाद की सबसे बड़ी पुलिस कार्रवाई है। पिछले अनुभव को देखते हुए इस संपूर्ण धरपकड़ व छापेमारी को कैमरे में कैद किया गया है। पूर्व में कई कबाड़ियों के गोदाम सील तो हुए लेकिन विभागीय मिलीभगत से सील गोदामों को खाली कर दिया गया। इस मिलीभगत के कारण सदर थाना हमेशा विवादों में रहा है और यहां का प्रभार पाने के लिए दरोगा एड़ी से चोटी तक कदम लगाते रहे हैं। तमाम शिकायतों के बावजूद सदर थाना प्रभारी पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की इनायत रहती रही है लेकिन अब हालात बदले हुए हैं। इस संपूर्ण पुलिस कार्यवाही की क्रोनोलॉजी समझी जाए तो पहले नए पुलिस कप्तान प्रभाकर चौधरी ने उन थानेदारों को बाहर का रास्ता दिखाया जो लंबे समय से मलाईदार समझे जाने वाले थानों पर कुंडली मारे बैठे थे। SSP के तेवर देख इन थानेदारों में से कई खुद ही रिलीव हो गए और वहां चले गए जहां उनका पूर्व में तबादला हुआ था लेकिन वह मलाई के चक्कर में यहां जमे हुए थे। इसके बाद ऐसे ही पुलिस कर्मचारियों को भी थाने से हटाकर लाइन हाजिर कर दिया गया। थानों में रहकर जिन लोगों के पेट बाहर निकल आए थे सुबह शाम उनकी परेड व दौड़ कराकर पसीना निकाला गया। सुबह शाम होने वाली गिनती आमद का असर यह हुआ कि जो लोग वर्दी बेल्ट जूते पहनना भूल गए थे उन्हें इनकी याद आ गई। नए कप्तान ने इतना ही नहीं एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया 8077974308। आप भी लिख लीजिए, बड़े काम का है यह नंबर। इस नंबर पर की गई गोपनीय शिकायत की जांच के बाद कई दरोगा व पुलिस कर्मचारी निलंबित कर दिए गए। जहर खाने के एक मामले में विवेचनाधिकारी शिवराज सिंह के निलंबन के बाद तो विभाग हैरत में आ गया। विभाग को अब लगा कि काम न करने पर एक्शन भी होता है, यह बात उनकी समझ में आ गई। TP नगर में बेटे को हड़कवाने के लिए पुलिस से मिले बुजुर्ग की पैसा न देने पर पिटाई के मामले में भी सिपाही को निलंबित कर दिया गया है। अब बात सोतीगंज की। सोतीगंज का एक बड़ा हिस्सा वाहनों के स्लॉटर हाउस के रूप में जाना जाता है। यहाँ रहने वाले लोग तो कबाड़ी कहलाते हैं लेकिन करोड़ों अरबों में वो खेलते हैं। वाहनों के कटान का बड़ा खेल होने के कारण यहाँ दिल्ली हरियाणा पुलिस के छापे पड़ते रहते हैं। कई बार पुलिस को उल्टा जान बचानी भी पड़ जाती है। यहाँ सदर पुलिस रॉब गाली करने के लिए जाती जरूर है लेकिन हमेशा मुस्कुराते हुए वापस आ जाती है। पूर्व में रहे कई थाना प्रभारी इन कबाड़ियों के फेवर में खड़े नजर भी आते रहे हैं। अब लेकिन हाकिम की कार्यशाली देखते हुए निजाम व पुलिस के तेवर बदले हुए हैं। सड़कों व चौराहों पर पुलिस खड़ी नजर आने लगी है। केवल बाहरी वाहनों पर नजर रख उनके शिकार में व्यस्त रहने वाली ट्रैफिक पुलिस अब यातायात नियंत्रित करने में लगी है। नौकरी करना कुछ लोगों को भारी प्रतीत हो रहा है। गुरुवार को पुलिस ने सोतीगंज में बड़ी कार्रवाई की। इससे पहले मन्नू मोहिद्दीन कबाड़ी की करीब 1.25 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई थी। हालांकि मन्नू की बेनामी संपत्ति कुर्क की गई संपत्ति से कहीं अधिक है। वाहनों का स्लॉटर हाउस चलाने वालों पर दर्ज किए जा रहे हैं मुकदमे। यह मामला सांसद राजेंद्र अग्रवाल भी लोकसभा में उठा चुके हैं लेकिन इस धंधे में लिप्त कबाड़ियों में ऐसी दहशत लंबे अरसे बाद नजर आई है। जाहिर है इससे लोगों को राहत की सांस मिली है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम अवश्य हुई है लेकिन अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। कोरोना से बचाव के लिए सरकारी गाइडलाइन का पालन करते रहें, भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, अपना व अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहिए फर्स्ट बाइट टॉटिंग। और हाँ, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार।